हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है सैटरडे, आज हम लोग निकले हैं शनि शिकनापुर के लिए। और ये ट्रिप हमारी अचानक सडनली बन गई। मेरे को रात में ही पता चला फ्राइडे की नाइट में 11 बजे कि हाँ नेक्स्ट डे हम लोगों को चलना है। सो व्लॉग बनाने का सच कोई मूड नहीं था, बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जा रहे हैं हम लोग ऐसी जगह तो क्यों ना आप लोगों को भी दर्शन करा दिया जाए। तो बस हम लोग निकले और पहुंच गए शनि शिकनापुर। वैसे तो आप कहते हैं पहले साईं बाबा के यहाँ जाना चाहिए फिर शनि शिकनापुर, लेकिन हम लोग पहले यहाँ गए और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे साईं बाबा के लिए। तो यहाँ पर हम लोग पहुँचे थे 3 या 4 बजे हम लोग पहुँचे थे। तो वहाँ पे अब पहले मैं गई थी ना, मतलब मैं पहले भी 2 बार जा चुकी हूँ, लेकिन ये कोविड के बाद से अब गई हूँ। तो वहाँ पे आपको कुछ भी चढ़ाने नहीं देते। पहले था कि आप शनि महाराज के पास जा कर के फूल वगैरह चढ़ा सकते हो, लेकिन अभी ऐसा है कि आप बिल्कुल भी दूर से ही दर्शन कर सकते हो, पास में नहीं जा सकते हो। तो वहाँ पे तेल मिलता है तो ऐसे ही चढ़ाया जाता है, जाली लगी है उसमें ही चढ़ा दिया जाता है। तो दूर से ही हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे और बहुत भीड़ भी नहीं थी, अच्छे से दर्शन हो गए। सो हम लोग यहाँ पे और भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं उन्हीं के आगे, तो वो सब भी मैंने आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, शनि महाराज के दर्शन कर लीजिए। ईश्वर आप सब पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। तो जय शनि महाराज। तो अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे ब्लॉग मेरा आप इंजॉय करिए। उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं शिरडी के बाबा साईं जी के धाम में। सो वहाँ पे फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं था, सो मैंने वहाँ की कुछ ऐसा शूट नहीं किया है। मैं फ़ोन वगैरह सब अपना गाड़ी में ही रख के गई थी, तो वहाँ पे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ। लेकिन जितना भी मैंने किया है आप लोग देखें, इंजॉय करिए। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी आप लोगों ने देखा कि मैं शनि शिकनापुर गई थी और उसके बाद साई मंदिर गई थी। साई मंदिर की मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउ नहीं था, तो फ़ोन वगैरह हम लोग गाड़ी में ही रखे गए थे। तो वहाँ बिल्कुल भी मैं कोई भी क्लिप्स आप शूट नहीं कर पा रही हूँ। और अभी मैं आई हूँ कहाँ, मैं आई हूँ कहीं, और अभी बज रहा है रात का 1:30 बज रहा है, और 1:30 बजे हम लोग पहुँचे हैं। कहाँ पहुँचे थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना है, 4 बजे दर्शन करने हैं जहाँ भी आए हैं, तो वो भी आपको मैं दिखा दूँगी कहाँ आए हैं दर्शन करने। सो बस अभी होटल वगैरह देख रहे हैं, रूम वगैरह, कि अभी मतलब 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए एटलीस्ट स्टे तो करना पड़ेगा। नहाना वहाना है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं और आज पूरे दिन की जर्नी रही। और अभी भी तो ऋषि के पापा बाहर हैं और ऋषि अभी सो रहा है अच्छी सी नींद में। कहाँ गया मेरा ऋषि, दिख रहा है ये देखो। तो चलिए, मैंने सोचा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं और
उसके बाद में आपसे मिलती हूँ मॉर्निंग में, बाय। और ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। अभी इस वक्त 5 बज रहा था आई थिंक, तो हम लोग निकले हैं शंकर भगवान के भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए त्र्यंबकेश्वर को। सो पहले यहाँ पे भी मैं अगेन तीसरी बार या चौथी बार आ रही हूँ। तो पहले था कि मॉर्निंग में अगर आप जल्दी उठो ना, मतलब 4:30 से 5:30 आपको परिसर के अंदर, मतलब कि भोलेनाथ के, आपको भोलेनाथ को आपको छूने को मिल जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग जल्दी उठ के दर्शन करने गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मतलब कोविड के बाद से ये रूल नहीं है, आपको बाहर से ही दर्शन करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग मॉर्निंग में गए, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, धूप भी नहीं थी, गर्मी भी नहीं थी, और इतना सुंदर दर्शन हुआ है। आप देख सकते हो, मैंने शूट करने की कोशिश करी है, भोलेनाथ के दर्शन कराने की आप लोगों को कोशिश करी है, आप लोग आगे देखिएगा, मैंने बहुत छोटी सी क्लिप डाली हुई है। सो क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है ये शूटिंग वगैरह, तो मैंने चुपके से डाल दी कि ताकि मैंने भी दर्शन किए हैं, आप लोग भी कर लीजिए भोले बाबा के दर्शन। तो इतना सुंदर मंदिर बना है, आप जितनी बार भी आओ कम है। और यहाँ पे मेरे ऋषि का हुआ था अन्नप्राशन, ये जो आप बीच में देख रहे हो ना जो जगह है, वहाँ पे ऋषि का अन्नप्राशन मैंने यहीं पर ही कराया था। उसके दादा दादी बुआ सब लोग आए हुए थे, तो यहीं पर अन्नप्राशन कराया था, तब की मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया था। और थोड़ी बहुत क्लिप्स होंगी तो मैं कभी वीडियो में डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे बैठने को मिलता है आपको 1 से 2 मिनट के लिए, तो मैंने बहुत हल्की सी शूटिंग करी है, देखिएगा। और यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान साक्षात विराजमान हैं, तीनों लिंग रूप में विराजमान हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, दर्शन कर लिए करिए और बाबा जी का आशीर्वाद लीजिए। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम आए हैं नासिक त्र्यंबकेश्वर मंदिर में, और आए थे सुबह 5 बजे से ही।
तो बस हम लोग दर्शन वगैरह बहुत अच्छे से करते हुए अब निकल गए हैं। लगभग 12-1 बज रहा है। हम लोग ने थोड़ा रेस्ट किया था, उसके बाद निकल गए वापस बैक टू पवेलियन घर की तरफ। और देखिए बहुत सुंदर सुंदर नेचर के जो नज़ारे हैं बहुत सुंदर लग रहे थे। बारिश के मौसम में तो और भी बहुत सुंदर लगता है ये हमारा महाराष्ट्र। और यहाँ पे हम लोग रुके हैं एक जगह खाना खाने के लिए, बहुत अच्छा खाना था, पूरा घर का खाना था। और मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो ज़रूर डालूंगी क्योंकि बहुत अच्छा खाना है। सारी डिटेल्स मैं उस वीडियो में दूंगी कहाँ पर है क्या है। ये पूना और जो नासिक के हाईवे पर है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, सरोज नाम का है और पूरा प्योर वेज है। सो उसकी पूरी जानकारी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में जरूर दूंगी। तब तक लिए आप मेरे व्लॉग को इंजॉय करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मैं चलती हूँ, आप लोगों से अलविदा लेती हूँ, अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक लिए बाय बाय।